जे लो भैया तुम आओ गर्म पानी। हमने तुमसे कही हती 500-500 की लगा लो, सस्ते में छूट जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिंदगी दांव पे लगाने आती। वैसे गिरकर ही सीखा था इंसान, तुमने भी कछु सीखो हुए आज? चलो खैर, जे बातें तो होती रहे। कल को मीनू डिसाइड कर ले। जी, सुबह 7 बजे जिम जावे से पहले इस मूदी पिया थे। सुबह 7 बजे तुम्हें तो मालूम नहीं हुए। पूछ लियो, बता दे मैं। और बा में गोल केलो डाला थे चकुंडी चकुंडी काट के। लेकिन केसो भी डाल दो, कब फर्क पड़ा था? वो तो वैसे भी मशीन में घुर्र घुर्र करके मिक्स हो जाने। और हमारे दिन की शुरुआत होते है कड़क अदरक वाली चाय से, तो बना दियो सुबह सुबह 6 बजे। लेकिन कल तो हमारी छुट्टी है। हम तो आराम से उठे, 9 बजे बना दियो। और जिज्जी के जिम से आवे से पहले झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सारो काम हो जाने चाहिए। कहीं की कहा है ना, वे आ जाए और नहीं हुए तो बहुत ही गुस्सा होता है। और फिर 10 बजे जहान को घुमा में ले जाने होते हैं। ए वो हम ले जाए हैं। वैसे भी शनिचर को तो तुम ही ले जाते हो ना, जा वहाँ हवाई भी सैर हो जाए। और तुम आओ तो तुम्हें मालूम ही हुए कि बता दें हम। ए ब्रेकफास्ट के बारे में तुम तुम्हें बताना ही भूल गए। नाश्ता सुबह 9 बजे बज जाना चाहिए। कहीं कहे ना, अगर देर हो जाते तो जान बहुत चिड़चिड़ करने लगाते। और हम सोच रहे हैं कल ब्रेकफास्ट में रसम और इडली खाएं। कहो बना दियो। Hey, what happened? हो गया। अभी काम है भैया, अभी तो शुरुआत है, 2 दिन बाकी है, बहुत मजा आए बेबी भैया। The deal is off. Off? शर्त कैंसिल। भैया तुम रोमांटिक कर रहे हो, धोखा है जे। अरे बेबी, जीजी की हालत देखो, बिचारी का ना अपने दिमाग पे कंट्रोल है ना जुबान पे, भयंकर जुकाम हो रखा है। सेंसेस साथ नहीं दे रही है, टेस्ट बर्ड साथ नहीं निभा रहे, इसीलिए भिंडी जो है कच्ची लग रही है। हमें मालूम आती तुम कछु ऐसी ओछी हरकत करो। तुम जंगू दादा नहीं हो, तुम शक्ति कपूर हो, शक्ति कपूर। जैसे पहले से ही हमने जाको उपाय सोच के रखो हो तो। जो मामले को जज को है जिज्जी, तो शर्त ऑफ है कि नहीं जे भी जिज्जी डिसाइड करें। पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अ बेट इज अ बेट इज अ बेट, यू हैव टू ऑन द बेट। जी जी जी, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भैया तुम्हारे पति हैं तो तुम उनकी तारीफ करो। बेबी, कानून अंधा होता है, कानून हर मुजरिम को एक ही नजर से आंकता है। ओ हेलो, जज का कैरेक्टर रेफरेंस के लिए दिया है तुम्हें रोहिणी, सच की जज नहीं हो, इतनी जजमेंट छाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी जी, साफ साफ बताओ ना फैसला क्या है। फैसला यही है कि भैया को शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जी जी, तुम देवी हो, देवी, इंसाफ की देवी हो तुम। बेबी। हाउ जीजी। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, असली बेबी को बुला रही हूँ। बेबी। हाँ जीजी। बेबी, एक कप कॉफी मिल जाती ना तो मजा आ जाता। Well folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. भैया तुमने सुनी नहीं जीजी ने क्या कही? Yeah. बनाता हूँ। और भैया, हमारे लाने भी एकदम कड़क अदरक वाली चाय बना दी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, बोल नहीं सकती थी भिंडी अच्छी बनी। बोला तो था कच्ची बनी है। कच्ची नहीं, अच्छी। के साइलेंट रखती तो ये सब नहीं होता। अरे मुझे क्या पता तुमने बनाई है, और बेबी को सुनाने का मौका मैं कैसे छोड़ती। पर तुम भी ना, इतने हाई स्टेक वाली बेट लगाने की क्या जरूरत थी, 100-200 की नहीं लगा सकते थे। अरे मुझे थोड़ी पता था जग्गू दादा की रेसिपी फेल हो जाएगी। इनफैक्ट जग्गू दादा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम जल्दी घर आ गई, तुम जल्दी आ गई, मैं घबरा गया, मैंने फट से गैस बंद कर दी। अब तुम लेट आती तो मैं 10 मिनट और पकने देता।
अरे बट मैं तो तभी अंदर चली गई थी, तुम पकने देते। तुम ही ने कहा वाह क्या खुशबू आ रही है, तो मुझे लगा खुशबू अच्छी आ रही है तो ऑब्वियसली बन गई होगी। देखो टेक्निकली आधी गलती तुम्हारी है, तो ये दो दिन में से एक दिन काम बेबी का तुम करो। ओ भाई साहब मुझ पे बिल मत फाड़ो, तुम्हारे और बेबी के बीच की बात है तुम मांडवली कर लो, मैं जा रही हूँ जल नीति करने। अरे वाह भैया चाय तो तुम बहुत ही अच्छी बना लेते हो, मजा आएगा। हाँ मैं कुछ सोच रहा था कि बेबी तुम खाली बैठे बैठे बोर हो गई होगी, कब तक ये रील और यूट्यूब देखती रहोगी। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भैया तुम्हारे दिमाग में कहाँ शैतानी ख्याल आ रहा है ये बताओ। अरे मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के बारे में सोच रहा हूँ बेबी। देखो मैं सोच रहा हूँ कि जो जैसा था वैसा चलने देते हैं, जस्ट रिज्यूम ऑल योर वर्क बैक। अच्छा और शर्त को कहा? शर्त पे ही तो आ रहा हूँ। क्या कहा था तुमने कि भैया ज्यादा से ज्यादा 2000 की शर्त लगाएंगे, तो मान लो कि 2000 की शर्त लग गई थी और मैं हार गया और 2000 रुपए कैश नगद रोकड़ा। भैया तुम अपने पैसन की धौंस दिखा के हमें खरीदना चाहो तो? यस क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कितनी बड़ी लालची हो, पैसों के आगे तुम 2 मिनट में अपने उसूलों को भूल जाओगी। टेक इट, इट्स अ गुड डील। बात तो सही कह रहे भैया तुम, लेकिन नगद कम है, नेक बढ़ाओ। देखो तुम्हें तो 500 चाहिए था, वो तो मेरी नेगोशिएटिंग टैक्टिक की वजह से तुम 2000 तक चली गई, मैं 2000 दे रहा हूँ पूरे, टेक इट। भैया 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 तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है ये तो सोचो, अब खाना तो तुम बना भी से रहे और बाहर से एक बार को खाना मंगावे को कम से कम 2000 रुपये लगे, तो लंच डिनर 8000 हो गए, तुम हमें 5000 दे दो, हम 5000 में मान जाए। तुम्हें किसी के लिए मैं खाना बाहर से मंगाऊंगा? मैं खाना घर पे बनाऊंगा और मैं बनाने जा रहा हूँ, द डील इज ऑफ। भैया भैया अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हियर यू गो। नहीं भैया पोहा चाने सींग दाना के साथ और नेक्सो फ्राई कर दियो कड़ी पत्ता के साथ, क्रिप्सी क्रिप्सी। गाओ गाओ गाओ। आ मजा आ गाओ। बेबी जी का पोहा किधर है? पोहा बनाने गया था किचन में, लेकिन वहां मुझे एक खजाना मिला। भैया खाना खजाना ही होता है। वो खजाना नहीं, ये खजाना। ऑलमोस्ट फुल। गेटिंग देयर। ओ पूरा फिक्स डिपॉजिट है ये तो। तो किसकी गुल्लक्स है ये? हमारी है। और इसके अंदर की संपत्ति? जी की गुल्लक बाकी संपत्ति। इसी बात से मुझे आपत्ति, इतना चिल्लर तुम्हारे पास आया कैसे? बैंक से अपनी सैलरी चिल्लर में निकाल के इसमें जमा करती हो? रेस्टोरेंट तो ये है नहीं कि लोग आते जाते तुम्हें टिप दे दें और तुम इसमें जमा करो। और बचा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, ईद मुबारक, इस सब में तो तुम हमसे कैश लेती हो, तो वेयर डिड द चिल्लर कम फ्रॉम? जाके अंदर चिल्लर की तरह से एक बात से तुम्हें का करने। ठीक है मत बताओ। टेक्निकली तो ये गुल्लक्स मेरी हुई, मेरे घर के किचन में मिली है, सो इट्स ऑब्वियसली माइन। तो ये गुल्लक्स तब तक मेरे ताबे में रहेंगी जब तक इनके अंदर के खजाने का राज मुझे पता नहीं चलेगा। हम अगर तुम्हें बता दें तो हमें दे दो। दे देंगे भैया, जो सामान लेने के लाने तुम्हें पैसा दे दो ना, वहां में से जो 5-10-15 बचाते हैं वो जहां में डाल देते हैं। तो ये मेरी हुई ना? तुम्हारी कैसे भाई? हम जो मोल भाव कराते हैं बाको का, हम 100 रुपए की चीज 90 में लाते हैं और जो 10 रुपए बचे वो हमारे, तुम तो 100 की चीज 100 में लेते हो।
फिर ठीक बात है, तो एक काम करते हैं, ये गुल्लक्स का राज जिज्जी को बता देते हैं। जिज्जी तो इंसाफ की देवी है तुम्हारी, है ना? जो जिज्जी कहेंगी हम वही करेंगे, ओके? नहीं भैया, नहीं जिज्जी को नहीं बताइयो। जिज्जी बुरा मान जाएंगी। बुरा भी मान जाए, वो हमें सजा भी दे दे और हमारी गुल्लक भी ले ले, कौन और उपाय निकालो ना। एक उपाय है। कहाँ है? अब भी इसी वक्त से मैं भैया तुम बेबी, शर्त कैंसर, डिसमिस्ड, डिसक्वालिफाइड, डिसकंटिन्यूड। ये मैं रख दूंगा, तुम पोहा बनाओ सिंगदाना डाल के कड़ी पत्ते के साथ, क्रिस्पी। गो शानी। नाइसली डन। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ, कितने में मांडवली हुई बेबी, आज तो तुम्हारी तरफ से ट्रीट। अरे नहीं जी, हमने भैया से पैसा थोड़ी ना लाए, वो तो हमें बुरा लग रहा हो तो कि हम बैठे हैं और भैया काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे किचन में, तो हमने भैया से कही कि भैया तुम वापस से भैया बन जाओ, हम वापस से बीवी बन जाते। इज दिस ट्रू? देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बेबी की आंखें खुली गई। That's very sweet, baby. Rishi, you should give her something. I give. But ये तो बोल रही कि पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। Blessings, love. अरे Rishi, don't be so chindi यार। वो कितना बड़ापन दिखा रही है। तुम भी तो थोड़ा दिल बड़ा रखो। Give her some money. अरे नहीं नहीं जी, क्या जरूरत है? रहने दो। अरे जरूरत है, दो ना Rishi। ये क्या 50 रुपए निकाल के दे रहे हो यार? कम से कम 500 तो दो। 500? Come on. थैंक यू जीजी, जीजी तुम देवी हो, देवी, इंसाफ की देवी। She is so happy. लाइक भाई तो ठीक ही बना है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये लिखते टाइम हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे और ये शूट करते टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आई होप कि आपको देखते टाइम भी ऐसा ही फील हुआ हो जैसा कि हमें हुआ है। Yes. और इस बार आपके लिए एक बढ़िया सा कॉन्टेस्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी। गुल्लक में कितना चिल्लर था? नहीं, कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि आज के एपिसोड में खाने की कितनी चीजों के नाम लिए। ओके, तो आपको सारी चीजों के नाम बताने हैं और एक लकी विनर को मिलेगा SIT का मर्चेंडाइज जी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोहित हुसैन आपसे एक स्पेशल मैसेज जो है वो शेयर करना चाहते हैं, वो आ रहे हैं, उनकी जगह बनाई जा रही है। दीजिए मुझे, ऐसा लग रहा है पोहा छीनने आया तू, जगह दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। पिछली बार मैं थोड़ा सा आया था, नाराज था आप लोगों के साथ, मैंने शायद थोड़ा ऊंची आवाज में भी बात की थी और कहा था कि आप लोग ऐसे मत कहिए, हमको बुरा लगता है एंड ऑल दैट, बट यू नो व्हाट, व्हेन आई गो बैक इनटू एनालिटिक्स एंड आई सी दैट वीडियो गॉट अस अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय गुहार, माय गुहार, माय अपील, एंड काइंडली यू शुड डू इट अगेन, स्कॉल्ड देम अगेन, स्कॉल्ड देम अगेन, हाय करो, ऐसे आके चुपचाप भाग नहीं जाने का देख के, ठीक है, सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज इस वीडियो को उस वीडियो से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिले ऐसी मेरी उम्मीद है, और प्लीज उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब बटन हिट करना पड़ेगा, सो डू इट नाउ। यस, एंड दिस इज ऑल ओवर साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू, लव एंड पोहा टू यू, बाय बाय, पोहा टू यू, पूरा पोहा खा लिया उसने, देखो मैं नहीं खा रहा करके खा लिया, सो मच फॉर कार्ब ओवरलोड, आई डोंट ईट कार्ब्स, इसमें प्रोटीन भी।